देखो चाहे मान्यता प्रत्यक्ष की हो, अनुमान की हो, अनुमान की हो, अर्थापत्ति से हो, अनुपलब्धि से हो, यदि वो अनुभव पर्यवसायी नहीं है, यदि अंत में उस मान्यता के अनुसार अनुभव नहीं होता है, तो ये सब प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो हैं, ये फालतू संसार को दिखाने वाले हैं और भ्रम में डालने वाले हैं। प्रत्येक प्रमाण का जो पर्यवसान है वो अनुभव में होना चाहिए। तो ये जो बौद्धिक ईश्वर है वो तो सुषुप्ति में लुप्त हो जाता है। बौद्धिक ईश्वर तो सुषुप्ति काल में प्रतीत नहीं होता, किसी को भान नहीं सकता। तो ईश्वर का ऐसा अनुभव हो जाए जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में तुरियम त्रिसुसंततम, तीनों में एक रस ईश्वर का अनुभव हो, तो वो ईश्वर का अनुभव है। बौद्धिक अनुभव का नाम या मानसिक मान्यता का नाम ईश्वर नहीं है। और जब तक अनुभव पर्यवसायी आपकी मान्यता अथवा आपका प्रमाण नहीं होता है, धुआं देख के आग का अनुमान किया तो पहले धुआं और आग का संबंध देखा हुआ है, व्याप्तिग्रह हुआ है, और जहां धुआं दिख रहा है वहां जाने पर आग आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो आपका अनुमान गलत है। इसलिए ये जो मान्यताएं हैं, स्वीकृतियां हैं, इनके अंत में यदि अनुभव होता है ईश्वर का अवशेष रूप में, निषेधावशेष अशेष विशेष निषेधावशेष रूप में यदि परमात्मा का अनुभव होता है, तो बौद्धिक मान्यता में कोई दोष नहीं है। मान्यता भी स्वीकृति भी, मान्यता भी बौद्धिक भी बहुत उत्तम है यदि वो सच्चे अनुभव का हेतु है। अब आपसे निवेदन ये है कि यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं या पाना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, तो लोगों की ओर क्यों देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, सारी दुनिया विषयों की ओर जा रही है, या ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात इंद्रिय विषयों का क्रोध होता है? आपकी दृष्टि तो स्वयं ही अपने भीतर बैठे हुए परमेश्वर को छोड़कर ऊपर ऊपर उड़ रही है, दूसरों पर कटाक्ष करने के लिए या दूसरों की निंदा करने के लिए या दूसरों की स्तुति करने के लिए यदि आपकी बुद्धि जाती है तो ईश्वर की ओर पीठ करके जाती है। इसलिए भले लोग इंद्रिय विषयों में लगे, वो तो महाराज ईश्वर ने बहुत बढ़िया किया, नहीं तो ये दिन भर डिस्टर्ब करते रहते ईश्वर को, और जाओ तुम संगीत सुन लो, जाओ तुम बढ़िया रेशमी वस्त्र बिछा के उस पर सो लो, जाओ तुम बढ़िया बढ़िया सकल सूरत देख लो, जाओ तुम रसा स्वादन कर लो, जाओ तुम गंध सूंघ लो। लोगों को दुनिया की ओर बच्चों को हैं,